नमस्कार दोस्तों, जिस बैंक में आप पैसा रखते हैं या आपका खाता है उस बैंक से जुड़ी खबरों पर जरूर नजर रखें, क्योंकि इन दिनों बैंकों के साथ अजब गजब खेला हो रहा है। कब बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और कब किसी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अगर आपका बैंक मुंबई के द कपोल कोऑपरेटिव बैंक है तो आपके लिए जरूरी खबर है। तो ये खबर क्या है, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन अगर आप चैनल के लिए नया हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मुंबई के द कपोल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद बैंक ने 25 सितंबर 2023 से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है, यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर पूरी तरह से अब रोक लग गई है। रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 25 सितंबर 2023 के आदेश के जरिए द कपोल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। आरबीआई ने साथ ही भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की सहकारी समितियों के अतिरिक्त सचिव एवं केंद्रीय रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए एक परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। अब है कि बैंक का लाइसेंस क्यों रद्द किया गया, तो आरबीआई ने इसके 5 कारण बताए हैं। पहला कारण, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरा कारण, बैंक मौजूदा बैंकिंग कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरा कारण, बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथा कारण, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवा, यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद द कपोल कोऑपरेटिव बैंक को तुरंत प्रभाव से बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5B में परिभाषित बैंकिंग कारोबार, जिसमें दूसरे काम के अलावा जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है, पर रोक लगा दी गई है। मुंबई के द कपोल कोऑपरेटिव बैंक तो अब बंद हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि बैंक के खाताधारकों को क्या पूरा पैसा वापस मिल सकेगा या फिर पैसा गंवाना पड़ेगा, और पैसा पाने के लिए क्या करना होगा। तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार द कपोल कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे अब बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से मिलेंगे। पैसा पाने के लिए डीआईसीजीसी क्लेम फॉर्म 2021 भरकर जमा करना होगा। इस फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे डीआईसीजीसी और बैंक की वेबसाइट पर यह फॉर्म आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्यादा जानकारी आप अपनी बैंक शाखा से ले सकते हैं। परिसमापन के बाद हरेक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपये तक ही किसी भी ग्राहक को मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में उनके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में चाहे कितने भी पैसे क्यों न जमा हो। कहने का मतलब है कि अगर बैंक में किसी का 10 लाख रुपये जमा है तो उसे केवल 5 लाख रुपये मिलेंगे, बाकी के 5 लाख रुपये भूलना होगा। अगर किसी व्यक्ति का 6 लाख जमा है तो उसे 1 लाख रुपये भूलना होगा। अगर 7 लाख जमा है तो उसे बाकी के 2 लाख रुपये भूलना होगा। आपको बता दूं कि बैंक पर 2017 से ही प्रतिबंध लगा हुआ था। प्रतिबंध की अवधि समय समय पर बढ़ाई जाती रही और आखिरी बार इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2023 तक किया गया था। लेकिन अब 25 सितंबर के कारोबार की समाप्ति से इस बैंक का लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया है। बैंक 1939 से कारोबार कर रहा है। बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने आगे कहा है कि डीआईसीजीसी ने बैंक के जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत 24 जुलाई 2023 तक कुल बीमाकृत जमा के 230 करोड़ 16 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है। आरबीआई का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार 96.09% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। यानी करीब 4% जमाकर्ता अपने पूरे पैसे पाने में नाकाम रहेंगे। दोस्तों सवाल यहीं पर उठता है। सवाल है कि बैंक के बाकी 4% जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा क्यों नहीं वापस मिलना चाहिए। क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई गुनाह किया था, या फिर किसी भी बैंक में पैसा रखना ही गुनाह है, क्योंकि सजा तो गुनाहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने पर लगाया जाता है। लेकिन बैंक के जिन करीब 4% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है वो तो बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, और उनको किस काम की सजा दी जा रही है।
मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के करीब 4% जमाकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए, उनका भी पूरा पैसा उनको वापस मिलने चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। एक ऐसा कानून है जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसे जमा किए थे। तो अब द कपोल कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को पैसे वापस लेने के लिए परिसमापक से संपर्क करना होगा। परिसमापक जमाकर्ताओं की राशि के हिसाब से लिस्ट बनाता है, बैंक की संपत्ति की लिस्ट बनाता है, जमाकर्ताओं को कितनी रकम वापस करना है उसकी लिस्ट बनाता है और उसे DICGC को सौंपता है। मुंबई के द कपोल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने से पहले आरबीआई कई दूसरे कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर चुका है, जिसमें शामिल कुछ बैंकों के नाम आप भी जान लीजिए। कर्नाटक के मस्की स्थित श्री मल्लिकार्जुन पटन सहकारी बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नगीना स्थित यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। कर्नाटक के श्री शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। महाराष्ट्र के सतारा के वाई के हरिहरेश्वर सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। बेंगलुरु के सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द किया गया। महाराष्ट्र के बुलढाणा के द मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया। मध्य प्रदेश के गुना के गढ़ा कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित दी लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। कर्नाटक के विजयपुर स्थित डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। महाराष्ट्र के पुणे स्थित रूपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। महाराष्ट्र के पुणे जिला के चिंचवड़ स्थित श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। कर्नाटक के दावणगेरे जिला स्थित मिलत सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। कर्नाटक के बागलकोट के दिमोदोल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। तो इस तरह से बहुत सारे बैंकों का लाइसेंस रद्द किया गया है। तो आप अगर किसी कोऑपरेटिव बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं या किसी कोऑपरेटिव बैंक में आपका खाता है तो उस बैंक से जुड़ी खबरों पर जरूर नजर रखें। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।